नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य और आज मैं आपको स्किन प्रॉब्लम्स के लिए आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगा। स्किन प्रॉब्लम्स से मतलब मेरा ये है कि ओवरऑल सारी स्किन प्रॉब्लम्स में हमने कौन सा ऐसा उपचार आयुर्वेद का करना होता है जो कि खून साफ करता है, जो कि हमारे अंदर ब्लड में जो गंदगी है उसको निकालता है, हमारे अंदर मसल्स में टिश्यूज में जो अंदर गंदगी है इकट्ठी डिपॉजिट हो गई है, जिसकी वजह से जगह जगह से स्किन प्रॉब्लम्स निकलती रहती हैं, होती रहती हैं, या कई बार पित्त बढ़ता है उस वजह से भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम स्किन की आ जाती हैं, कई बार हमें मौसम से एलर्जीज हो जाती हैं या खारिश हो जाती है। स्किन प्रॉब्लम्स के जितने कारण है ना, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा हमने प्रयोग जो आपको आज बताऊंगा मैं, वो हम आगे लोगों को देते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ, जो बेसिक है। बेसिक का मतलब होता है कि चलिए कम से कम सभी को सभी तरह के स्किन प्रॉब्लम्स में कर ले लेना चाहिए। हालांकि आने वाले समय में मैं अपने दूसरे चैनल आयुर्वेद का जो हमारा चैनल है उस पर बताऊंगा स्किन प्रॉब्लम्स के लिए डिटेल में अलग अलग वीडियो, सोराइसिस वाले के लिए अलग, एक्जिमा वाले के लिए अलग, हालांकि उनको भी ये प्रयोग करना होगा जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो अलग है क्योंकि मैंने नोट किया, मेरे को कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे थे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए मैंने डाइट बताई थी, क्या खाना क्या नहीं खाना, परहेज बताए थे, तो उसी के रिलेटेड फिर मुझे लोग पूछने लग गए कि मुझे ये बताओ स्किन की प्रॉब्लम के लिए ये स्किन की प्रॉब्लम है। तो फिर वो मैं नोट कर रहा था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम लोग ज्यादा पूछ रहे हैं, तो हालांकि डिटेल में वीडियो हमारे दूसरे चैनल में आएगी, आयुर्वेद का चैनल है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा चैनल का, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल, जिनको नहीं पता या यूट्यूब पे सीधा लिख लो कि नित्यानंदम आयुर्वेदा, तो नित्यानंदम आयुर्वेदा मतलब मेरा आयुर्वेद नहीं हो गया, ये हमारा चैनल है इसलिए आगे नाम मैंने अपना लिखा है कि लोगों को ढूंढने में परेशानी ना हो, तो ये आप हमारा चैनल पे जाके देख लेना। आने वाले समय में मैं आयुर्वेद की वीडियो सारी वहीं डालता हूँ ताकि लोगों को ढूंढने में आसानी रहे, नहीं तो फिर इतनी ज्यादा वीडियोस हो जाती हैं मिक्स, लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या करें, कहां से ढूंढें। तो ये है आपको आज जो मैं बताने जा रहा हूं बेसिक प्रयोग आयुर्वेद का, बेसिक यानी सबको ही कर लेना चाहिए, शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। तो क्या है ये प्रयोग जान लेते हैं, इसमें तीन भागों में मैंने इसको बांटा है। एक भाग जो पहला है ये पित्त को शांत करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बीमारी से लड़ने की ताकत आ जाएगी। दूसरा भाग जो है वो है आपके अंदर खून की और ब्लड की, आपके मसल्स की, आपके अंदर गंदगी की सफाई करने वाला, टॉक्सिन्स अंदर के बाहर निकालने वाला, विजातीय द्रव्य जिनको हम कहते हैं कि शरीर में नुकसान करते हैं, तो उनको साफ करेगा अंदर से। तीसरा भाग जो है वो उनको करना है जिनको प्रॉब्लम पुरानी है, आपको एलर्जी हो गई है स्किन की कोई, या फिर आप कह सकते हैं कि पित्त बढ़ गया है ज्यादा जिसकी वजह से रैशेस होते हैं रेड रेड लाल लाल, तो ये तीन प्रयोग हैं। तीनों में से पहले दो तो सबको करने हैं, तीसरे वाला मैंने बता दिया जिनको करना है, तो आइए जान लेते हैं। पहला प्रयोग है, आपको इसके लिए चार चीजें लेनी है, एक है गिलोय का रस, गिलोय का रस 4 चम्मच, और दूसरा है वीट ग्रास का जूस, वीट ग्रास का जूस 4 चम्मच, 4 से 5 चम्मच ले लें इसको भी, और एलोवेरा का जूस ये भी 4 से 5 चम्मच। चौथी चीज जो है वो है हल्दी का रस, ताजी हल्दी का रस, किसी कंपनी कई बार कई कई कंपनियां भी आजकल हल्दी का रस की बॉटल बनाने लग गई हैं, मैंने देखा है, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जानकारी डाल भी दूंगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बनाती हैं रस ताजा, आप नेट पे सर्च कर लेना सिंपल जाके, आपको हल्दी का रस मिल जाएगा ताजा, और इसको लेना है 1 चम्मच। ये चारों को मिला के बराबर मात्रा में पानी मिला के इसको सुबह खाली पेट ले लेना है, और फिर इसके बाद अपना 40 मिनट तक कुछ नहीं खाना है,
फिर 40 मिनट बाद नाश्ता करना है 1 घंटे बाद, तो फिर उसके बाद नाश्ते के 1 घंटे बाद दूसरा प्रयोग करना है, वो है 2 सिरप लेने हैं आपको पीने वाले आयुर्वेद के। एक है खादिरारिष्ट, खादिरारिष्ट बड़ा अच्छा एक सिरप है, ब्लड प्योरिफायर है और बॉडी को बड़ा डिटॉक्स करता है खादिरारिष्ट। दूसरा है महामंजिष्ठादि क्वाथ प्रवाही, या इसको महा कईयों को ये नहीं मिलता तो इसकी जगह पे महामंजिष्ठादिरिष्ट मिल जाएगा, महामंजिष्ठादिरिष्ट मिल जाएगा, ये ले लेना। तो ये दोनों सिर्फ खादिरारिष्ट महामंजिष्ठा दोनों को लेकर के 3-3 चम्मच आप मिक्स कर लें, और खाने के 1.5 घंटे बाद इसको बराबर मात्रा में पानी मिला के, पानी हमेशा औषधि में बराबर मात्रा में मिलाओ, और अगर अंदर पीने में मुश्किल आए कड़वी लगे तो फिर बराबर मात्रा में पानी की जगह डबल पानी डाल लो, डबल से ज्यादा पानी नहीं डालते औषधियों में। फिर उसके बाद ऊपर से थोड़ा अगर कड़वा लगे तो एक आध घूंट पानी पी सकते हो। ये खाने के बाद करना है, ये सुबह भी करना है प्रो, और ये शाम को भी करना है, शाम को भी ऐसे ही यानी डिनर से 1 घंटा पहले या सूर्य ढलने के वक्त, आप वो सूर्य ढलते वक्त ले लो आंवला सॉरी एलोवेरा और वो दूसरा गिलोय का प्रयोग जो मैंने अभी बताया, और डिनर के फिर 1.5 घंटे बाद या 1.25 घंटे बाद दूसरा प्रयोग, ये खादिरारिष्ट और महामंजिष्ठादरिष्ट वाला, तो ये दोनों कर लीजिएगा। और क्या परहेज है करने हैं क्या नहीं करने हैं मैं वीडियो बना चुका हूँ, क्या खाना है आपको ज्यादा स्किन प्रॉब्लम पे ये भी मैं बता चुका हूँ, वीडियोस आखिर में आप वीडियो के इसके बाद में दिखाई जाएंगी उनको देख लेना, और कौन सी गलतियां आप करते हैं जो स्किन प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती जिसकी वजह से, ये भी मैं आपको कल ही बता दूंगा, तो आप ये भी जरूर देखिएगा। और भी आपके कुछ प्रश्न हो सकते हैं आप बताइएगा मुझे, मैं कोशिश करूंगा देर सवेर उनका जवाब दूं, लेकिन ये प्रयोग आपको सबको ही करना है, चाहे सोरायसिस है, एक्जिमा है, आर्टिकारिया है, चपाकी है, शीत पित्त जिसको बोलते हैं, लाल लाल रेडिश हो जाना, खुजली है, फोड़े फिंसियां, मवाद बह रहा है, खून गंदा हो गया है, या किसी ने बोला मुझे आप सिबोसिस की प्रॉब्लम है, डर्मिटोसिस की प्रॉब्लम है, वो सारी समस्याएं जितनी भी आप स्किन की प्रॉब्लम के नाम ले रहे हैं, आप कई प्रॉब्लम्स के हो सकता है मैं नाम ना भी ले पाऊं, क्योंकि मेरे को पिंपल्स के लिए पूछ रहे थे लोग कि त्रिफला वाला प्रयोग हमें पता नहीं चल रहा, आप कुछ और बता दें जो मैं कर सकूं इजीली, वो भी कर लें पिंपल्स के लिए, कील मुहासे काले दाने पड़ रहे हैं, निशान चकत्ते पड़ जाते हैं, काले काले निशान पड़ रहे हैं टांगों पे, टांगे काली हो रही है, उन दोनों इन समस्या पे भी ये 2 प्रयोग कर सकते हैं। फिर तीसरा प्रयोग जो है मैं बताने जा रहा हूं वो तभी करना जब प्रॉब्लम पुरानी है, या आपको प्रॉब्लम ज्यादा रैशेज की है या एलर्जी है स्किन की, तो तीसरी प्रॉब्लम में आपको लेना है हरिद्राखंड, बाजार से मिल जाएगा हरिद्राखंड, इसकी स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, तो हरिद्राखंड लेके आप शाम के समय दूध के साथ 1 चम्मच इसका ले लें, और अगर शाम को नहीं लेना तो रात को सोते वक्त ले लें 1 चम्मच 1 टीस्पून एक ही वक्त लें, बहुत अच्छा रहेगा, सारी चीजों को बैलेंस बना के चले। तो ये प्रयोग आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं, कुछ और आप डिटेल में कब कब क्या नहीं लेना, कितनी देर बाद योग करना कि नहीं करना, या ये कौन सी दवाई का क्या काम है, क्या इसमें हमने क्यों मैंने आपको ये बताई है, ये अगर डिटेल में सारा आप समझना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल नित्यानंदम आयुर्वेदा, उस पर भी मैंने ये वीडियो डाली है डिटेल में, तो आप जा करके वहां पर देख सकते हैं। वीडियो के आखिर में आपको वो हमारे दूसरे चैनल का लिंक जो है सर्कल सा दिखाया जाएगा, आप क्लिक करके उस पर पहुंच सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे दूसरी वीडियो का भी लिंक मैंने दे रखा है। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।